अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये मैं आज का स्टार्ट करने जा रही हूँ व्लॉग मॉर्निंग से, और हम आए हुए हैं स्कूल पीटीएम में, जो कि मेरे बेटे की स्कूल में पीटीएम थी और वहाँ हम आए हुए हैं। और पीटीएम की टाइमिंग थी 8:30 to 11:30 AM, तो इसलिए 8 बजे ही हम स्कूल आ गए थे। और ये बाकी के पेरेंट्स खड़े हुए हैं, हमने पीटीएम कर ली है अटेंड। और ये मेरे देवर की बेटी हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर आए थे, इनका होना था एडमिशन, तो इनका एडमिशन हमने कराया है और अब हमने पीटीएम अटेंड कर ली है, तो अब हम जाने लगे हैं घर। और पीटीएम हमारी हो रही थी सेकंड फ्लोर पर, तो हम वहाँ से ही नीचे आ रहे थे स्टेयर्स से, और अब हम आ रहे थे घर की साइड में। और मुझे लेनी थी मेडिसिन, तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी रास्ते में से ही। अब हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ, और यहाँ पर भी कुछ देर हमें वेट करना पड़ा था, तब डॉक्टर आई थी। और उसके बाद में हम आ गए थे घर और ब्रेकफास्ट हम करके गए थे, जैसे कि हमने नाश्ता कर लिया था। और फिर मैं बनाने लगी थी लंच, क्योंकि पीटीएम में भी थोड़ा टाइम लग गया था, फिर डॉक्टर के यहाँ हमें थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद आके मैं बनाने लगी थी दोपहर का खाना, तो मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसके बाद में मैंने मसाला भून लिया है, भूनने के लिए रख दिया है, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है हरी मिर्च और टमाटर जो मैंने कट करके रख दिए थे, और इन्हें मैंने अच्छे से भून लिया है। और मुझे बनाने थे मसाले के चावल, दोपहर में कभी मन कर जाता है, मसाले के चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मसाला राइस। और इसलिए, और मैंने इस मसाले में हल्दी ज़्यादा ऐड की थी, और जो कि चावल में यूज़ करती हूँ बासमती राइस, तो उन्हें भी मैंने सोक करके रख दिया था आधा घंटा पहले, जो कि मैं ज़्यादा उन्हें सोक नहीं करती हूँ ज़्यादा देर के लिए। और ये मैंने आलू कट करके रख दिए थे, आलू मैंने ज़्यादा पतले नहीं काटे थे और ना ही ज़्यादा मैंने मोटे कट किए थे आलू। और उसके बाद में मैंने कुछ देर के लिए आलू को भी मसाले के साथ ऐसे ही भून लिया है, और साथ ही साथ मैं गैस को भी क्लीन करती रहती हूँ। ये एक मेरी हैबिट बनी हुई है, जो कि मुझे गैस गंदा अगर रहता है तो मुझे काम करना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही गैस को क्लीन करती भी रहती हूँ। अगर कुछ कोई स्पाइसेस वगैरह यहाँ पे बिखर जाते हैं तो मैं साथ में ही क्लीन करती रहती हूँ, टॉप काउंटर को भी और गैस को भी। और उसके बाद में मैंने चावल ऐड कर दिए थे, जो कि मैंने आधा घंटे के लिए सोक किए थे, और उसके बाद में मैंने सभी चावल ऐड करने के बाद मैंने लास्ट में ऐड किया था सॉल्ट, और उसके बाद में मैंने पानी ऐड कर दिया था, और उसके बाद में मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से सब चीज़ों को। और वो कढ़ाई पड़ गई थी छोटी, तो मैंने फिर दूसरी कढ़ाई निकाली थी, उसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे ये सभी चावल और स्पाइसेस वगैरह सब, और अच्छे से मिक्स कर दिया था। और ये देखें मेरे चावल पककर हो गए हैं रेडी मसाला राइस, और ये देखें देखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छे बनकर रेडी हुए थे। और मैंने दही भी इसमें ऐड किया है, दही के साथ खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये एक मिर्च का अचार है, जो कि मैंने घर पर ही बनाया था, और उसके साथ ये हमने खाया था, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये लग रहे थे। और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक से मसाला राइस बनाए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा देखें चावल खिले खिले एकदम रेडी हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहे थे और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं। और फिर बाद में मैंने घर के कुछ छोटे मोटे काम किए थे, गेहूँ वगैरह साफ़ किए थे, और बाकी सारे छोटे मोटे घर के काम हैं। थोड़ा सा कुछ फिर टाइम मिला था, तो मैंने फिर कपड़े वॉश करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कपड़े सेट कर लेती हूँ अलमीरा के, उसके बाद मैंने कपड़े सेट किए थे अलमीरा के। उसके बाद मैं सीधा ही मॉर्निंग की वीडियो बनाने लगी हूँ, मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। मैं बनाने लगी थी अपने बेटे का लंच बॉक्स,
मैंने बनाई थी उसके लंच बॉक्स के लिए पूरियां और थोड़ी सी सब्जी, मैंने ड्राई सब्जी आलू की पैक की थी लंच बॉक्स में। मेरे बेटे को पूरियां पसंद हैं तो मैंने सोचा कि लंच बॉक्स में पूरियां ही बनाकर दे देती हूँ उसे, तो मैंने लंच में पैक कर दी थी उसको पूरियां, जो कि मैंने छोटी छोटी सी बनाई थी, ज़्यादा बड़ी पूरियां नहीं बनाई थी, 2 से 3 पूरियां मैंने बनाकर उसकी फॉइल पेपर में अच्छे से रैप कर दी थी ताकि पूरियां सॉफ्ट रहें, टाइट ना हो पूरियां, इसलिए मैंने फ़ौरन से उन्हें फॉइल पेपर में रैप कर दिया था। उसके बाद मैं पैक करने लगी हूँ उसका लंच बॉक्स। फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट भी नहीं कराया था तो मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था दूसरे साइड पर, और दूध मुझे ज़्यादा गर्म नहीं देना होता है अपने बेटे को, तो मैंने मीडियम ही करके रखा है, ज़्यादा मैंने तेज़ गर्म नहीं किया था। और मैंने उसको एक बाउल में डाल दिया है दूध, और फिर उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी बॉर्नवीटा या कॉम्प्लान, जो भी उसको दोनों चीज़ें पसंद हैं तो मैंने ऐड कर दिया है उसमें। और इधर लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया है। उसके बाद में मैंने ब्रेकफास्ट देने लगी थी अपने बेटे को, तो आज मैंने सोचा उसको जैम और ब्रेड दे देती हूँ साथ में। आज मैंने अपने बेटे को ब्रेड या रस वगैरह दूध में डिप कर कर नहीं दिए हैं, मैंने उसको ब्रेड जैम दिए हैं अलग से, दूध एक बाउल में दिया है, और ये वाला दूध मैंने अपने लिए करके रखा है एक ग्लास में, मुझे लेनी थी कुछ मेडिसिन तो इसलिए मैंने एक ग्लास में दूध लिया है। और मैं शुगर नहीं लेती हूँ, कम लेती हूँ शुगर, तो इसलिए मैंने शुगर नहीं लिया है। ये मैं बॉईल करने लगी थी, उसके बाद में दूध जो ये पैन में ऑयल बचा हुआ था ये मैंने 1 कप में निकाल के रख लिया है, जो कि गरम था तो मैंने एक साइड पर इसको रख दिया है। और पैन वगैरह मैंने बर्तन इकट्ठा कर लिए थे वॉश करने के लिए, मैंने उसके बाद में वॉश कर दिए थे सारे बर्तन। अपने बेटे को और हस्बैंड को भेजने के बाद मैं करने लगी थी अपने घर के बाकी के सारे काम। तो ये बेडशीट थी एक मोटी वाली, शनील वाली, काफ़ी हैवी सी थी, तो आज हमने ये वाली बेडशीट निकाली थी, ब्लैंकेट की तरह इसको यूज़ किया था, रात में ठंड हो गई थी काफ़ी, तो हमने इसी को हमने ओढ़ने के लिए निकाल लिया था, क्योंकि ये बास्केट में ही रखी हुई थी पास में, तो इजीली हमने निकाल लिया था। और बाकी अभी मौसम कुछ ठंडा हो गया है 1 से 2 दिन से, और ये था छोटा सा बॉक्स जिसमें मैंने सारे ईयरफोन्स और डाटा केबल सेव करके रखे थे ताकि आपस में उलझे नहीं और आसानी से मुझे मिल जाएं। तो देखें, फिर उसके बाद मैं करने लगी थी अपने कपड़ों को फोल्ड, जो कि मैंने वॉश किए थे, तो उसके बाद में मैंने इन्हें सारे कपड़ों को फोल्ड किया, और आयरन वाले कपड़े मैंने अलग किए। फिर उसके बाद में मैंने जो आयरन नहीं करने थे कपड़े उनको अलग करके और सेट कर दिया मैंने एक जगह पर, मैंने बास्केट में रख दिया। आयरन वाले कपड़े मैं वहीं पर रखती हूँ ताकि जब तक हम कपड़ों को आयरन नहीं करते हैं तो वो रूम में बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए मैं एक साइड पर सारे कपड़ों को फोल्ड करके बास्केट में डाल देती हूँ। जब मुझे आयरन करने होते हैं तब मैं उन्हें निकाल कर फ़ौरन से आयरन करके अलमीरा में सेट कर देती हूँ। आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। When did you do? Oh, Sunday.